सरहुल को लेकर रांची की सड़कों पर झांकियों का दौर जारी है। झांकी निकले और झारखंड की संस्कृति नहीं दिखे, ऐसा हो नहीं सकता। और ऐसी ही संस्कृति को संजोए और मैसेज देने वाली एक झांकी हमारे साथ है। आपको सबसे पहले ये दिखाएं कि ये नाव का स्वरूप तैयार किया गया है जिसमें आदिवासी समाज के लोग बैठे हुए हैं। एक स्लोगन लिखा गया है, स्लोगन को समझने और पढ़ने की जरूरत है। यहाँ लिखा है, अब मोर बेड़ा बेड़ा कौन पार करी, मतलब अब हमारा बेड़ा कौन पार लगाएगा। अगर हिंदी में अगर इसकी बात करें तो शायद यही होता है जी, जी। अच्छा, इसका मतलब हम क्या समझे? वन भूमि से बेदखल सरकार ने किया है, उसको हम लोग बखूबी इस झांकी के सरहुल के झांकी में दर्शाया है। और यहाँ बहुत ही दयनीय स्थिति हम लोग आदिवासियों का है, जो पूरे देश में है उसी को हम लोग दर्शाए हैं। क्योंकि जो दिख रहा है ये झांकी, इस झांकी में हम लोग वन भूमि से जो बेदखल किया जा रहा है, अपने जंगल को काट कर और वहाँ से जितने भी हमारे समुदाय है, आदिवासी समुदाय है, उस आदिवासी समुदाय को जंगल से भी भगाने का ये किया जा रहा है। जिसके चलते इस झांकी को हम लोग सरहुल झांकी के माध्यम से हम लोग दर्शाए हैं। समाज के द्वारा एक मैसेज देने की बात है। अब यहाँ अगर पीछे की ओर अगर आप देखें तो फिर से एक बार लिखा हुआ है कि जाएं तो जाएं कहाँ आदिवासी। देखिए, जाएं तो जाएं कहाँ आदिवासी, ऊपर वन अधिकारों से वंचित। सरना जो यहाँ की समिति है हरमू, उसके द्वारा ये मैसेज किया गया है। और झारखंड में ये बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि लगातार कई मौकों पर सरकार के द्वारा कहें, सरकार के कुछ नीतियों के द्वारा कहें, आदिवासी समाज के अंदर कहीं ना कहीं कोई आक्रोश जरूर दिखता है। और यही आक्रोश कह सकते हैं कि शब्दों के जरिए है। यहाँ भी कुछ लिखा है, आदिवासियों को वन भूमि से बेदखल, ये कैसी सरकार। यहाँ साफ तौर पर इस शब्द को भी आप देख सकते हैं कि आदिवासियों को कैसे वन भूमि से बेदखल किया जा रहा है। और अगर ऐसा हो रहा है तो ये भैया कैसी सरकार है। प्रकृति का पर्व को लेकर इस सरहुल को मनाया जाता है, तब वाजिब है कि वन भूमि से वैसे आदिवासी समाज को दूर किए जाने का आक्रोश तो दिखेगा ही। संभवतः यही आक्रोश इस जगह पर भी देखने को मिल रहा है, इस झांकी में भी देखने को मिल रहा है। और मैसेज साफ है कि आदिवासी जाएं तो जाएं कहां, और ये कैसी सरकार है जो आदिवासियों को वन भूमि से बेदखल कर रही है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अविनाश कुमार, न्यूज 11 रांची।